एक बात जो लोग बार बार कह रहे हैं कि हार्दिक पटेल की जनसभा में भीड़ बहुत आ रही है और आक्रोशित भीड़ आ रही है, पर एक सवाल जो बड़ा सवाल लोग खड़े करते हैं कि क्या वो भीड़ वोट में तब्दील होगी? क्या हार्दिक उस भीड़ को वोट में तब्दील कर पाएंगे? वो अभी से बोलने का मतलब नहीं, क्योंकि मैं बोलूँगा तो उसकी इतनी कीमत नहीं रहेगी। लेकिन जब 9 और कल और या 14 तारीख को जब लोग अपना जनार्दन का जो फैसला होगा, उसके बाद 18 तारीख को 12 बजे तक कुछ सब समझ आ जाएगा, और उससे पहले 17 को आपके ही ओपिनियन पोल वगैरह सब समझ में दे देंगे। बस देखते हैं, वक्त के आधार पर चलते हैं तो ज़्यादा समझ आ जाएगा। हार्दिक, एक और बात है कि जिस तरह से भीड़ आप सिर्फ पाटीदारों को नहीं बाकी कम्युनिटी के लोग भी आपके उसमें आ रहे हैं, उसको देखकर एक माहौल, क्या आपको लगता है कि भाजपा के खिलाफ एक माहौल बनाने में आप कामयाब रहे हैं और इसका कितना फायदा कांग्रेस को मिलेगा? तो जनरली अगर देखा जाए तो सभी लोग नाराज़ हैं। बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा है, युवाओं की जो रोजगार का मुद्दा है वो भी काफ़ी बड़ा है, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा है, व्यापारियों के GST के मुद्दे से मार पड़ी है, और कहीं ना कहीं एक जो यहाँ पर एक दादागिरी वाला जो मामला ज़्यादा है कि भाजपा वाले जब आपको धमकी देते हैं, डराते हैं, वही मामले कहीं ना कहीं भाजपा को इस बार परेशान करेंगे। आप देखो, कल चुनाव है, कल वोटिंग होने वाली है, अभी तक मैनिफेस्टो सही तरीके से लोगों के बीच में नहीं लाए, इतने तो वो डिप्रेशन में चले गए हैं। उन लोगों को मेहनत करनी चाहिए थी, लोगों को विकास की राह दिखाने की। पुराने जो 2002, 2007 और 2012 में जो उनके घोषणा पत्र थे, उसमें से क्या क्या काम किया वो लोगों को दिखाने की ज़रूरत थी। उसकी जगह उन्होंने अभी 2017 में मैनिफेस्टो लाने की जगह सिर्फ चोरी छुपी वो मैनिफेस्टो को ला दिया है, पता नहीं किसी के बीच आया नहीं आया, लेकिन सीढ़ी बनाने के चक्कर में वो मैनिफेस्टो लाना भूल गई। एक संकल्प पत्र आज भाजपा ने अभी थोड़ी देर पहले अरुण जेटली ने वित्त मंत्री भारत के वित्त मंत्री उन्होंने रिलीज़ किया है और उस पर उनका कहना है कि गुजरात में हम पहले से भी काफ़ी विकास कर चुके हैं और ये वंशवाद जातिवाद की जो राजनीति इस बार हो रही है गुजरात में उससे अलग हटके एक नए गुजरात की बात वो कर रहे हैं। वो आपको कह रहे हैं कि आप जातिवाद और इन सब चीज़ों में गुजरात को बांट रहे हो। क्यों, रोजगार की बात करनी जातिवाद है? किसानों की फसल के सही दाम देने की बात करना जातिवाद है? अगर इसको जातिवाद भाजपा समझती है तो जातिवाद हमें मुबारक है। आपके एक मित्र हैं जिग्नेश मेवानी, वो मेरे उनसे भी मेरी कई बार बातचीत, उन्होंने मुझे कहा कि हार्दिक और मैं एक साथ जाकर बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे, पर अभी तक आप दोनों एक साथ प्रचार नहीं किए, क्या आप जिग्नेश के लिए प्रचार करने जा रहे हैं? नहीं, मैं देखो, मेरे पास कोई हेलीकॉप्टर वेलीकॉप्टर है नहीं कि मैं इधर से उधर उड़ू। गाड़ी है, गाड़ी से दौड़ता रहता हूँ, जितना हो सके इतना दौड़ता हूँ। दिन में 4 सभाएं करता हूँ, अलग अलग 200 200 किलोमीटर के अंतर में, तो काफ़ी अच्छा रहता है। वक्त आने पर मुझे भरोसा है, मैं कहता हूँ कि जिग्नेश भी जीते और विधानसभा में बैठकर अच्छे मुद्दे की बात रखे, हमारे मुद्दे की भी बात रखे, और रोड पर भी आंदोलन होते हैं और विधानसभा में भी आंदोलन होने चाहिए। उसको भी मैं शुभेच्छा देता हूँ कि वो भी जीत कर अच्छी बात रखे। और कई सारी विवादित सीढ़ियाँ आपकी आती रहती है हार्दिक, समय समय थोड़े थोड़े अंतराल पे एक और सीढ़ी फिर एक और सीढ़ी, क्या लगता है आपको? जितनी सीढ़ी आ रही है लोगों को देखे, और मेरी सीढ़ी नहीं, मेरी जो पहले आई थी उसके बाद एक आध दो सीढ़ी, एक एक सीढ़ी मतलब दो सीढ़ी अभी तक रखी है उन लोगों ने, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी सीढ़ी आएगी आने दो। और ऐसे भी किसी का जन्म टेस्ट ट्यूब बेबी से नहीं होता, 100 में से 1 लोग मतलब 1000 में से 1 लोगों का जन्म टेस्ट ट्यूब बेबी से करना पड़ता है। देश की संस्कृति है, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है, कुदरत ने बनाई हुई संस्कृति है, उसमें भरोसा रखते हैं। आप बड़े गर्मजोशी से भाषण भी देते हो, जो कई बार मैंने देखा है आप लोगों को बड़ा अट्रैक्ट करते हो, अट्रैक्टिव भाषण दो, क्या जब आप किसी को एड्रेस करते हो, किसी रैली को एड्रेस करते हो, तो क्या चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होती हैं? देखो, मेरे पास सिर्फ 4 ही चीज़ें हैं, पहली बेरोजगारी, दूसरा मुद्दा है किसानों को फसल के सही दाम, तीसरा मुद्दा है गुजरात के अंदर पूरा स्वतंत्र दो, सभी को सही हक दो, और लास्ट मोमेंट है जनता को जागृत करना। किसी भी प्रदेश के अंदर ऐसी कोई सरकार नहीं जो 22 22 सालों के राज कर रही है, एक यही पार्टी है जो गुजरात के अंदर अपने जोर हुकमी से मतलब सत्ता पाने की इतनी लालच है उनमें कि वो दादागिरी लोगों पर, बस इन लोगों को जागृत, ये 4 मुद्दे अगर मेरे पास सही हो जाएंगे बस मैं अपना काम छोड़ दूंगा। सबसे बड़ी बात है जो आरक्षण पे आप जो बात आपने जो कांग्रेस का फॉर्मूला आपने एक्सेप्ट किया, भाजपा बार बार कह रही है कि ये फॉर्मूला अब तक ऐसा नहीं हुआ है और ऐसा नहीं होने जा रहा है, तो एक तरह से मतदाताओं को पाटीदारों को आप भ्रमित कर रहे हैं, ये आरोप आप पर बार बार लगते रहे हैं। कैसे नहीं हो सकता वो बताइए, बोलने से नहीं, कैसे नहीं दिया जा सकता वो आप बताइए। बार बार आप सिर्फ एक बात मत चलाइए कि 50% से ज़्यादा नहीं दे सकते, संविधान में कहीं लिखा है ऐसा? कैसा कैसा कोई कानून बनाए? नहीं बना, सिर्फ बातें करने की बात है। अगर आपकी नीयत अच्छी होती, अगर आपकी सोच घटिया तरीके से नहीं चलती, तो आप भी अगर हमें अच्छा दे सकते थे।